वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक विद प्रियंका। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द वर्ड फॉरेंसिक साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड फॉरेंसिक साइंस है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? तो जान लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है लेटिन वर्ड फॉरेंसिस, ऑप्शन बी है ग्रीक वर्ड फॉरेंसिस, ऑप्शन सी है अमेरिकन वर्ड फॉरेंसिस एंड लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इंग्लिश वर्ड फॉरेंसिस। तो गाइस, इसका सही ऑप्शन है लेटिन वर्ड फॉरेंसिस। ठीक है, जो हमारा वर्ड फॉरेंसिक साइंस है वो डिराइव्ड हुआ है, द वर्ड फॉरेंसिक साइंस इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड फॉरेंसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। द वर्ड फॉरेंसिक इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड फॉरेंसिस विच मीन्स ऑफ और बिफोर द फॉरम। तो गाइज, जो वर्ड फॉरेंसिस होता है उसका मतलब होता है ऑफ और बिफोर द फॉरम। कभी कभी यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्ड फॉरेंसिस है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको टिक करना है बिफोर द फॉरम पे, ऑफ द फॉरम पे, ठीक है, या फिर दोनों आ जाएगा एक ही ऑप्शन में, ऑफ और बिफोर द फॉरम, तो उस पे टिक करना है। ठीक है, तो गाइज, इस वाले क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि जो वर्ड फॉरेंसिक है वो किससे ड्राइव्ड हुआ है, किससे ड्राइव्ड हुआ है, लेटिन वर्ड फॉरेंसिस से। और अगर उसका मतलब पूछ लेते हैं तो उसका मतलब है द वर्ड फॉरेंसिस, उसका मतलब क्या है, ऑफ और बिफोर द फॉरम। ठीक है, अब क्या होता था कि जो एंशियंट रोम होता था उस टाइम पे क्या होता था, जो सेनेट होते थे वो फॉरम में मिलते थे। ठीक है, अब एक फॉरम क्या होता था, एक पब्लिक प्लेस होता था जहाँ पर उस दिन के उस टाइम के पॉलिटिकल और जो पॉलिसी इश्यूज होते थे उनको क्या किया जाता था, डिस्कस किया जाता था। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन, इंडिया में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं BPR&D, ठीक है, इंडिया में जो BPR&D था वो कब इस्टेब्लिश हुई? तो ए ऑप्शन है 1963, इन 1965, इन 1970 या फिर इन 1974। तो गाइज, इसका सही आंसर है 1970। ठीक है, जो इंडिया थी उसमें BPR&D इस्टेब्लिश हुई थी 1970 में। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि BPR&D की फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी, जुलाई 28, 1970 में, और किसके अंडर हुई थी, MHA के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके तीन क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि जो BPR&D है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, कब हुई थी, 28 जुलाई 1970 को, और किसके अंडर हुई थी, MHA के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकनायक जयप्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस वॉज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली इन द फॉलोइंग ईयर, जो लोकनायक जयप्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट था क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का, वो न्यू दिल्ली में किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए इन 1970, ऑप्शन बी इन 1972, ऑप्शन सी इन 1974 एंड लास्ट ऑप्शन 1976। तो गाइस, इसका सही आंसर है 1972, ऑप्शन बी। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972।
ठीक है, जो इंस्टीट्यूट था क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस का, वो 1972 में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1991 में इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया NICFS। NICFS की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। तो गाइस इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसकी भी फुल फॉर्म यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, NICFS। ठीक है, और इसको 2003 में रिनेम करके इसका नाम रख दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि NICFS का नाम बदल के लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस किस ईयर में किया गया था, तो तब आप वहां पे टिक करोगे इन 2003 में। ठीक है, चलो बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लैब इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश एट, जो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लैब थी इंडिया में वो कहाँ पर स्टेब्लिश हुई। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आगरा एंड लास्ट ऑप्शन डी दिल्ली। कहाँ पे हुई? ऑप्शन ए कोलकाता। जो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लैब थी गाइज इंडिया में वो स्टेब्लिश हुई थी कोलकाता में। ठीक है, इन 1952 द फर्स्ट FSL ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन कोलकाता। जो इंडिया की फर्स्ट FSL थी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी, वो 1952 में कोलकाता में स्टेब्लिश हुई थी। डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी इन अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट। डीएनए टाइपिंग जो फैसिलिटी थी इन FSL में, जो इंडिया की जो FSL थी उनमें डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, तो जान लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है हैदराबाद CFSL में हुई थी, ऑप्शन बी है कोलकाता CFSL, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ CFSL, या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर है कोलकाता CFSL। ठीक है, जो कोलकाता की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी गाइस, उसमें सबसे पहले डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इन 1957 द फर्स्ट CFSL, CFSL की फुल फॉर्म होती है गाइस सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन कोलकाता। ठीक है, 1957 में जो फर्स्ट CFSL थी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इंडिया की, वो क्या हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट GEQD गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इज नॉट एट द फॉलोइंग प्लेस। GEQD है जो गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है गाइज, वो इनमें से किस जगह पे नहीं है। ठीक है, तो जान लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए हैदराबाद में नहीं है, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन डी शिमला। तो बताइए गाइज, जो GEQD है गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, इनमें से किस प्लेस पर नहीं है, हैदरा सॉरी दिल्ली। जो GEQD है हैदराबाद में है, कोलकाता में है, शिमला में है, एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली में कोई भी GEQD नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया टिल 2020 देयर आर ओनली 3 GEQD। ठीक है, 2020 तक इंडिया में ओनली 3 GEQD थी। GEQD डिपार्टमेंट से विच आर सिचुएटेड इन कोलकाता, हैदराबाद एंड शिमला। और कहाँ कहाँ पर थे, कोलकाता में, हैदराबाद में एंड कहाँ थे, शिमला में। ठीक है, तो फर्स्ट जो GEQD था वो शिमला में स्टेब्लिश हुआ था, और कब हुआ था, 1906 में। ठीक है गाइस, इन ईयर्स को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट GEQD थी जो गवर्नमेंट एग्जामिनर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट था, डिपार्टमेंट था, वो सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था शिमला में, और कब हुआ था, 1906 में।
सेकेंड जी ई क्यूरी जो था वो कोलकाता में स्टेब्लिश हुआ था और कब हुआ था, 1963 में, ठीक है। और जो थर्ड जी ई क्यूरी था वो हैदराबाद में स्टेब्लिश हुआ था और कब हुआ था, 1968 में, ठीक है। 2020 तक इंडिया में केवल 3 जी ई क्यूरी के डिपार्टमेंट थे, जो कि कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड थे, कोलकाता में, हैदराबाद में एंड शिमला में, ठीक है। जो शिमला का जी ई क्यूरी था वो 1906 में सबसे पहले फर्स्ट जी ई क्यूरी स्टेब्लिश हुआ था। सेकेंड जी ई क्यूरी जो स्टेब्लिश हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और 1963 में हुआ था। जो थर्ड जी ई क्यूरी था वो हैदराबाद में 1968 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फर्स्ट सी एफ एस एल इन इंडिया, इन जो फर्स्ट सी एफ एस एल थी इंडिया की, वो कब बनी? दिल्ली में बनी, कोलकाता में बनी, चेन्नई में बनी या फिर मुंबई में बनी? बताइए, जो फर्स्ट सी एफ एस एल थी वो कहाँ बनी? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में, ठीक है। जो फर्स्ट सी एफ एस एल थी इंडिया में वो कब बनी? कोलकाता में बनी, ठीक है। कहाँ पे बनी? कोलकाता में। फर्स्ट सी एफ एस एल कोलकाता इन 1957, ठीक है। जो फर्स्ट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी वो कोलकाता में बनी और कहाँ कब बनी थी? 1957 में, ठीक है। इन 1952 द फर्स्ट एफ एस एल, इसमें बात हो रही है एफ एस एल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश विच इज ऑल्सो इन कोलकाता, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट सी एफ एस एल थी वो भी कोलकाता में बनी थी, वो 1957 में बनी थी। और गाइस जो हमारी फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी वो 1952 में बनी थी, लेकिन कहाँ पे बनी थी? वो भी हमारी कोलकाता में बनी थी, ठीक है। अब आती है बात दूसरी, सेकेंड सी एफ एस एल की, तो वो हमारी हैदराबाद में सिचुएटेड थी और कब बनी थी? 1967 में, ठीक है। थर्ड सी एफ एस एल हमारी दिल्ली में बनी और कब बनी? 1966 में। एक मिनट आइए, जो थर्ड सी एफ एस एल थी दिल्ली में वो इंडिया में कब बनी थी? दिल्ली में 1966 में, ठीक है। और जो फोर्थ सी एफ एस एल थी चंडीगढ़ में बनी 1978 में। उसके बाद हमारी फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ जो सी एफ एस एल थी वो हमारी बनी पुणे में, भोपाल एंड गुवाहाटी में, और कब बनी? 2011 में, ठीक है। तो गाइज अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ टोटल 7 सी एफ एस एल हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली जो सी एफ एस एल थी वो हमारी कोलकाता में बनी 1957 में। सेकंड सी एफ एस एल बनी हमारी हैदराबाद में, जो कि 1967 में स्टेब्लिश हुई। थर्ड सी एफ एस एल बनी हमारी दिल्ली में, जो हमारी 1966 में स्टेब्लिश हुई थी। फोर्थ सी एफ एस एल हमारी चंडीगढ़ में है, जो 1978 में स्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद हमारी फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ जो सी एफ एस एल है वो पुणे में है, भोपाल में है एंड गुवाहाटी में है, जो कि तीनों की तीनों हमारी 2011 में स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। चीलोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ, जो चीलोस्कोपी है हम किस चीज की स्टडी को चीलोस्कोपी बोलते हैं? तो ऑप्शन है हमारे लिप्स, आइरिस, पोर्स एंड माउथ। तो बताइए गाइस कि किस चीज की स्टडी को हम चीलोस्कोपी बोलते हैं? तो गाइस इसका सही आंसर है लिप्स। जब हम लिप्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं चीलोस्कोपी। द स्टडी ऑफ लिप्स इज नोन एज चीलोस्कोपी, ठीक है। चीलोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन विच ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन इज डन बाई लिप ट्रेसेस, ठीक है। जो चीलोस्कोपी है गाइज वो एक ब्रांच है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें हम जिसमें जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाता है लिप ट्रेसेस के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग ऑफ फॉरेंसिक साइंस वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट, जो टीचिंग थी गाइज फॉरेंसिक साइंस की वो सबसे पहले कहाँ पर स्टेब्लिश हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी कोलकाता। तो बताइए गाइस जो टीचिंग थी फॉरेंसिक साइंस की वो सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुई? तो गाइस इसका सही आंसर है सागर।
जो टीचिंग थी फॉरेंसिक साइंस की वो सबसे पहले सागर में स्टार्ट हुई। ठीक है, द बुक एंटाइटल्ड एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक वॉज रिटन बाई, जो बुक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसको किसने लिखा है, एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक जो ये बुक है उसको किसने लिखा है। तो गाइस जान लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए पॉल एल किर्क, ऑप्शन बी निकोल्स, ऑप्शन सी सेफस्टीन एंड ऑप्शन डी ऑस्टरबर्ग ईओ हारा। तो गाइस जो एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक जो की जो बुक है वो बुक हमारी लिखी थी सेफस्टीन ने, ठीक है, जिनका पूरा नाम है रिचर्ड सेफस्टीन। ठीक है गाइस, द फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, कैलकटा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो बताइए गाइस जो वर्ल्ड की फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैलकटा, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो कैलकटा में सिचुएटेड है, एस्टेब्लिश्ड कहाँ पे हुई थी, कैलकटा में। ठीक है, द फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकटा इन 1870। तो गाइज कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, कैलकटा में, और कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी वर्ल्ड की फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस सॉरी फिंगरप्रिंट ब्यूरो, 1897 में, अच्छे से याद करना। और किसके द्वारा की गई थी, सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी के द्वारा। ठीक है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो कैलकटा में एस्टेब्लिश की गई थी, 1987 में एस्टेब्लिश की गई थी, और सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन, जो फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी है इंडिया में वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी कैलकाटा। तो बताओ गाइज जो फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी थी इंडिया में वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास में। ठीक है, जो फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी जो एस्टेब्लिश की गई थी वो मद्रास में की गई थी। कभी कभी ऑप्शन में मद्रास ना आके चेन्नई आ जाता है, तो आप उसको टिक करना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को अगर मद्रास की जगह पे चेन्नई आ जाता है तो। ठीक है, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में मद्रास की जगह आपको चेन्नई देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मद्रास आए या चेन्नई आए, आपको दोनों में से जो भी आए वही टिक करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, तो गाइज जो फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लैब थी वो कहाँ पर, मद्रास में, मतलब कि चेन्नई में एस्टेब्लिश हुई थी, और कब हुई थी, 1849 में। ठीक है, सेकंड केमिकल एग्जामिनर जो लैब थी वो कैलकटा में एस्टेब्लिश हुई थी और 1853 में हुई थी। थर्ड केमिकल एग्जामिनर लैब जो एस्टेब्लिश हुई थी वो आगरा में हुई थी और 1864 में हुई थी। एंड फोर्थ केमिकल एग्जामिनर लैब जो हमारी बनी थी वो बॉम्बे में बनी थी, और कब बनी थी, 1870 में। ठीक है, फर्स्ट बनी थी मद्रास में, सेकंड बनी थी कैलकटा में, थर्ड बनी थी आगरा में, एंड फोर्थ बनी थी हमारी बॉम्बे में। ठीक है, और कब कब बनी थी, जो फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लैब थी वो 1849 में, सेकंड 1853 में, थर्ड बनी थी 1864 में, एंड लास्ट फोर्थ बनी थी हमारी 1870 में। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया दिस प्लेस डजंट हैव अ सीडीटीएस सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, सीडीटीएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल। तो इंडिया में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल किस प्लेस पर नहीं है, बताइए। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए गाइस जो इंडिया है उसमें सीडीटीएस दिल्ली में नहीं है। ठीक है, इन इंडिया दिस प्लेस डज नॉट हैव अ सीडीटीएस। सीडीटीएस कहाँ पर नहीं है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में, एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है,
दिल्ली में हमारा सीडीटीएस नहीं है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली में नहीं है। इन इंडिया देयर आर 5 CDTS, ठीक है, इंडिया में 5 सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल हैं, जो कि कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद एंड जयपुर, ठीक है। एमंग ऑल CDTS कोलकाता इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। जो कोलकाता का सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल है वो सबसे पुराना है, ठीक है। 5 जगह पे हमारी CDTS है, कहाँ कहाँ पे, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद एंड जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू दिल्ली CFSL इज गवर्न्ड बाय, जो दिल्ली की CFSL है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है। ऑप्शन ए DFSS, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के द्वारा। ऑप्शन बी IB के द्वारा, IB मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। थर्ड आता है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो बताइए गाइस, जो न्यू दिल्ली की CFSL है उसको कौन गवर्न करता है। तो गाइस इसका सही आंसर है CBI, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली की CFSL को क्या करती है, गवर्न करती है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास क्या है, 7 CFSLs हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं, कैलकटा, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, भोपाल एंड गुवाहाटी में, ठीक है। और जो जितनी की जितनी हमारी CFSLs हैं ये सारी गवर्न की जाती हैं DFSS के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के द्वारा, एक्सेप्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। जो न्यू दिल्ली की CFSL है उसको छोड़ के हमारी बची जो 6 CFSL है उनको गवर्न करती है DFSS, और जो हमारी न्यू दिल्ली की जो CFSL है उसको गवर्न करती है CBI, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी 7 CFSLs में से जो दिल्ली की CFSL है उसको गवर्न करती है CPI, एक्सेप्ट न्यू दिल्ली जितनी भी हमारी CFSL है उनको गवर्न करती है DFSS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर द फुटप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश, जो फुटप्रिंट ब्यूरो है वो कहाँ पे और कब एस्टेब्लिश की गई। ऑप्शन ए 1915 में बंगाल में, ऑप्शन बी 1917 में इन बंगाल, 1915 कोलकाता एंड 1917 कैलकाटा। तो बताइए गाइस कि फुटप्रिंट ब्यूरो है वो कब एस्टेब्लिश की गई थी। तो गाइस इसका सही आंसर जान लेते हैं, और इसका सही आंसर है 1915 इन बंगाल, ठीक है। कि जो फुटप्रिंट ब्यूरो थी वो 1915 में एस्टेब्लिश की गई थी, और कहाँ पे की गई थी, बंगाल में, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपने अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर लिया होगा, क्योंकि UGC नेट एग्जाम का पेपर बहुत ही पास में है। आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी, और अपनी नॉलेज को इसी तरह से टेस्ट करते रहना और कुछ नया सीखते रहना। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।